गाइस, कैसे हैं आप सब? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से हैं और हम भी खैरियत से हैं। आज जुम्मे का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो आज हमने दी है नियाज। हमने नियाज क्यों दी है अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। एक तो मुझे हंसी बड़ी आ जाती है, मेरी पूरी वीडियो आपने वॉच करनी है और इसकी बिल्कुल नहीं करना, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चले मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आई हूँ, ये है आज़म टाउन का कब्रिस्तान। तो आज के दिन होती है मेरे फादर इन लॉ की बरसी। तो ये देखिए कितना पुरसकून और कितनी अच्छी जगह। सबसे अच्छी जगह यही है जहाँ इंसान को पूरी नींद होती है और अपनी नींद में वह सो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त से पेड़ है, और यहाँ पे अनार लगे थे, चीकू लगे थे। तो मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने फादर इन लॉ की कब्र पे, जिनको हम बहुत मिस करते हैं। बहुत ही ग्रेट थे वो, हमसे बहुत प्यार करते थे। तो ये सुबह का टाइम है, तो आप ये देखें। खुदा बाप इन सब को अपनी ईमान में रखें। और ये देखें, बारिशों की वजह से काफ़ी यहाँ नुकसान भी हो जाता है, जो कि कब्र को ठीक तरीके से नहीं बनाते हैं, और कुछ अंदर जानवर भी आ जाते हैं, मीन्स डॉग्स वगैरह, वो भी मिट्टी वगैरह हटा देते हैं। तो आप ये देखें कितनी अच्छा, और सुबह सुबह का टाइम है, हम तकरीबन 9:30 बजे आए थे इधर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चों को पहले मैंने स्कूल भेजा, और मैं फिर मैंने सोचा ये देखिए ये चीकू तोड़ रहे हैं, ये मेरे निंदोई हैं, ये तारी भट्टी हैं, ये देखिए ये चीकू तोड़ रहे हैं, लेकिन हमने मना कर दिया। अदरवाइज़ तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लोग भी हम जैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए इन लोगों से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। और ये देख सकते हैं, ये है वो जो काली क्रॉस वाली है कब्र, वो मेरे फादर इन लॉ की है। ये देखिए ये सारे, इनके ऊपर कोई घास सी आ गई, अभी मेरे हस्बैंड जी सारी घास को तोड़ देंगे। ये देखिए एक बाल मसीह, ये मेरे फादर इन लॉ की कब्र है। और ये देखिए और भी साथ साथ सब कब्र है। ये देखिए ये मेरे हस्बैंड जी पानी डाल रहे हैं, और ये है रुमेल भट्टी, ये अपनी अपने नानू की कब्र पे आए थे, तो इनको भी हमने उठाया था। अभी चलो आप लोग भी हम लोग के साथ। ये देखिए सारे हमने पौधे उतार दिए हैं, और वो यहाँ का वॉचमैन है, जो कि कह रहा था कि आप बिल्कुल साफ़ कर दो और फिर ऊपर पानी वगैरह डालो तो ज़्यादा अच्छा है। हमने सोचा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये देखिए ये है मेरे ससुर जी की कब्र, और हम बहुत इन्हें प्यार करते हैं और अब भी करते हैं, इन्हें बहुत मिस करते हैं। जब भी हम इन्हें याद करते हैं हमारी आँखें भर आती हैं, क्योंकि जो इंसान अच्छे होते हैं वो कभी भी दिल से नहीं भुलाए जा सकते। और ये देखिए फिर हमने इनके ऊपर पानी डाला, और फिर फ्लावर्स डाले, रोज़ पेटल्स डाले थे जो बहुत सारे हम लेकर गए थे, और खूब अच्छे से हमने बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे कि हम उनको फर्स्ट दफ़ा यहाँ पर लेकर आए थे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी दूर तक है, पूरा ये कब्रिस्तान बना हुआ है। ये देखिए कुछ बेचारों की जो नहीं कुछ कर सकते, उनकी कब्रें सारी ख़राब हो चुकी हैं। चलें हाँ, आप सबने दुआ करनी है जिस जिसने ये वीडियो देखनी है। और ये देखें ये दोनों बाप बेटा बैठ के अगरबत्तियाँ जला रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कराची में हवा चल रही थी, तो अभी भी चल रही है। तो फिर हम लोगों ने सारी अगरबत्तियाँ भी यहाँ पर लगा दी खुशबू के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू भी मेरे फादर इन लॉ को आए। मेरे फादर इन लॉ को खुशबू बहुत पसंद थी, वो बहुत ज़्यादा खुशबू पसंद करते थे। तो ये देखिए फिर हमने प्रे की, हस्बैंड जी ने, हम सब ने मिलकर प्रे की, लेकिन ख़ास प्रे की थी मेरे हस्बैंड जी ने। तो फिर ये देखिए हम लोगों ने नियाज दी है, और हम लोगों ने खाना बाहर से बनवाया था, तो हमने पैकेट बना लिए थे। पैकेट बना के पूरे हम लोगों ने अपनी गली में जितने भी जानने वाले थे सबको हमने बांट दी थी, और जो घर पे आई थी मेरी सिस्टर इन लॉ और इनके बच्चे, उन्होंने सबने घर पे खाई थी। और ये देखो ये हस्बैंड जी हैं जो कि खाना मिक्स कर रहे हैं,
और फिर सबने खाना खाया, खूब इंजॉय किया और ये सब प्रे के बाद खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद सबने चाय पी, चाय पीने के बाद सब चले गए और ये देखें सब फुल इंजॉय कर रहे हैं खाने को और हस्बैंड जी खाना सर्व कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, फाइनली हमने जिसी बनाए कर सुनाए करो, फाइनली जिसी से खाना खाना आप आ जाएँ और मेरी पहली नहीं दूसरी बार मेरी YouTube फैमिली के लिए। तो हमने आज दी थी न्यास, न्यास इसलिए दी थी इसलिए कि आज मेरी थी ससुर जी की बरसी, तो उनकी बरसी होती है 22 अक्टूबर की, सिस्टर इन लॉ आती हैं तो हम लोग प्रे करते हैं घर पे छोटी सी और फिर खाना जो बनाते हैं या बाहर से बनाते हैं हम सब में बांट देते हैं। तो आज भी हम लोगों ने वही किया तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो हम लोगों ने खाना बनवाया था बाहर से क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा भी सर्दियाँ शुरू तो नहीं हुई हैं लेकिन आपको पता है कराची में या पाकिस्तान में कहीं भी ज़्यादा इश्यू होता है गैस का या लाइट का, तो अदरवाइज़ मैं खुद बना लेती हूँ। पिछली दफ़ा मैंने घर पे बनाए थे लेकिन इस दफ़ा तो गैस का मसला साथ लाइट का मसला तो मैं नहीं बना सकी, तो हमने बाहर से खाना मंगवाया था। खाना बहुत टेस्टी था, मज़ेदार था, सबने खाया, हमने प्रे की उनके लिए और फिर सब अभी अपने अपने घर चले गए हैं। अभी पूरा घर दोबारा से समेटा, सफाई की है और अभी मैं लास्ट में खा रही हूँ खाना। तकरीबन 11:30 बज चुके हैं तो साथ में पीऊँगी मज़ेदार सी चाय। जिस जिस को खाना खाना है चाय पीनी है वो आ जाए और हमें बहुत सारी ढेर दुआओं में याद रखें। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि परफेक्ट लाइफ वाली किरण बिल्कुल ठीक कहती है, आप लोग वीडियो पूरी वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। वो ठीक कहती है कि किसी बुज़ुर्गों का घर में होना बहुत ही ज़रूरी और लाजमी है क्योंकि बुज़ुर्गों से ही घर में बरकत होती है। अगर किसी एक के चले जाने से घर बिल्कुल सूना और बेकार सा लगता है। तो मैं बहुत मिस करती हूँ अपने फादर इन लॉ को, बहुत अच्छे थे। ज़िनेडा तब 2.5 साल की थी और शॉल भी 9th month की थी जब उनकी डेथ हुई थी। तो जितना भी मेरा मतलब कि 3 साल उनके साथ साथ रहा, बहुत अच्छे थे, मैं भी बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत प्यार करते थे, तो हमेशा उनके लिए अच्छी दुआ निकलती है, अच्छी बातें निकलती हैं। तो आप लोग भी आपके घर में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, मीन्स जितने का मतलब ये नहीं कि पूरी बुजुर्ग मतलब कि आपकी सास है ससुर है, आप उनका बहुत ख्याल रखिए, उनको बहुत इज्जत दें और उनको प्यार दें। ये यादें हैं, ये बातें हैं जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और हम उनको मिस करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू और मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे 1K कर दें प्लीज़। अभी बहुत टाइम है मेरे 1K में तो मैं बहुत जल्द लाइव भी आऊँगी, मुझे टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ पूरा दिन मैं कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ मुझे पता है क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो बच्चों को स्कूल लेके आना, उनको खाना, फिर ट्यूशन भिजवाना, उनको ट्यूशन छोड़ के आना, उनको लाना, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना टाइम रबता करूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना, मेरी वीडियो को वॉच करना है और लाइव में सब नहीं आना अगर मैं लाइव करूँगी तो, ठीक है। तो जिस जिसको खाना खाना है वो आ जाए। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी नेक दुआओं के साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ समेटते रहें और सबके सबको मैं बोलेंगी गुड नाइट, बाय।